दौड़ रही थी। सायरन की आवाज अपराधियों की धड़कन तेज कर रही थी। तभी पुलिस की गाड़ी को चकमा देकर निकलती है तेज रफ्तार की कार बिजली के खंभे से टकरा जाती है। आखिर में बखरी के थानेदार मुकेश पासवान के सिकंजे में आ गए साथी शराब तस्कर। तस्वीरों में नजर आ रही ये कार शराब तस्करों की है। इस कार से करीब 25 बोतल शराब बरामद की गई है, जबकि एक तस्कर भी दबोचा गया है। निर्देश पर थानाध्यक्ष मुकेश पासवान शराब माफियाओं पर कहर बनकर टूट रहे हैं। यही वजह है कि शराब तस्करों के खेमे में खलबली मची है। गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि शराब की खेप को डरहा इलाके से मोहनपुर ले जाने की प्लानिंग है। इस सूचना के बाद थानाध्यक्ष मुकेश पासवान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अम्बेडकर चौक के समीप एक संदिग्ध गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ी को देखते ही तस्कर तेजी से भागने लगते हैं। इसी बीच रामपुर गांव के समीप तस्करों की कार बिजली के पोल से टकरा कर हादसे का शिकार हो गई। इस गाड़ी से तस्कर जितेंद्र कुमार को 23 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही बकरी थाना पुलिस ने पुरानी थाना रोड स्थित मारवाड़ी विवाह भवन के समीप मोहम्मद मेराज के घर से रेड कर 20 बोतल शराब बरामद किया है। मेराज की निशानदेही पर विवाह भवन के समीप से 9 बोतल शराब बरामद की गई। इस मामले में मेराज और उसकी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बहरहाल बकरी में शराब तस्करों के खिलाफ जारी ऑपरेशन से माफियाओं के बीच खलबली मची है। रिपब्लिकन ब्यूरो बेगूसराय। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।